खासियत है कि हम अपनी फेवरेट हीरोइन को कॉपी करने की सोचते हैं, ऐश्वर्या की तरह बनना चाहते हैं, शिल्पा शेट्टी, कटरीना कैफ, इन सभी की तरह हम बनना चाहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी खूबसूरती दिखती क्यों है? मैं बताऊँ क्यों दिखते हैं, क्योंकि इनका जो फिगर है वो सही शेप में होता है, जितना होना चाहिए उतना ही होता है। अब मैं आप लोगों को ये नहीं बोलूँगी कि उनकी तरह आपको बिल्कुल जीरो फिगर लेके आना है, उनकी तरह आपको जिम में जाना है, पसीना बहाना है, किसी भी तरीके से आपको पतला होना है। मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि आपका जो फिगर है वो एक सही शेप में होना चाहिए, मतलब कि जो आपके बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे कि बैली है वो निकला नहीं होना चाहिए, थाई के ऊपर ज़्यादा फैट नहीं होना चाहिए, यू नो, एक थोड़ा सा अच्छा सा फिगर अगर आपका होगा ना, तो आप कुछ भी पहनिए, कुछ भी पहनिए, कोई मैटर नहीं करता कि आपका कलर कैसा है, गोरे हैं, काले हैं, आप सुंदर दिखेंगे ही दिखेंगे, आप हीरोइन से भी ज़्यादा सुंदर दिख सकते हैं। खास करके जो हाउसवाइफ हैं, जो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, उनके लिए मैं आज बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज लेके आई हूँ। कोई भी इस एक्सरसाइज को डेफिनेटली कर सकता है, और ये एक्सरसाइज इतनी मस्त है कि आप इसको बिल्कुल एंजॉय करके कर सकते हैं, कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं लगेगा, आपका बेली फैट, आपका जो थाई फैट है वो परमानेंटली रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको मेरा ये सूट पसंद आ रहा है, बहुत ही अच्छा सूट है, इसका शॉपिंग हॉल मैंने डार्क सोन चैनल पर किया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जरूर एक बार चेक कीजिएगा, बहुत ही प्यारा सूट है, उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बात कर लेते हैं एक्सरसाइज, ये एक इतनी बेहतरीन एक्सरसाइज है कि ये कुछ ही दिनों में आपके बेली फैट को, आपके थाई फैट को और आपके पूरे बॉडी फैट को रिड्यूस करके आपको स्लिम ट्रिम बना सकते हैं, और इसके लिए आपको कोई घंटे लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा ही टाइम लगाने की जरूरत है, जो कि मैं आपको आगे चलकर वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले हम आज की एक्सरसाइज कर लेते हैं। पसंद आती है वीडियो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं। तो चलिए फिर एक्सरसाइज को कैसे करना है। तो गाइस, आपको करना क्या है, आपके घर में कोई भी ऐसा दरवाजा है उसको रोक के आपको खड़ा हो जाना है, मतलब दरवाजे को ऐसे पकड़ना है, और आपकी जो एक्सरसाइज होगी सारी लोअर पार्ट से होगी, इस वाले पार्ट से, क्योंकि हम बेली फैट को और थाई फैट को कम करने की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो दोनों हाथों को यहाँ पे रख लेना है, अच्छे से पकड़ना है, और आपको क्रॉस करना है ऐसे ऐसे ऐसे, आपको पूरा झुकाना है। ये वाला जो पोर्शन है आप देख सकते हैं, मैं पूरा ऐसे घूम के आ रहा है, तो आपको भी ऐसे ही घुमा के करना है, ठीक है ना, ऐसे क्रॉस एंड क्रॉस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। आप देख सकते हैं ये दोनों हिप इस तरीके से आपकी घूम के आनी चाहिए ऐसे, 1, 2, फिर 1, फिर 2, 1, 2। आपकी जो कमर है वो झुकी हुई नहीं होनी चाहिए, वो स्ट्रेट होनी चाहिए। तो दरवाजे के बीच में ऐसा खड़ा होके आपको ये एक्सरसाइज खाली पेट करनी है, सुबह 10 मिनट, 1, 2, 3। आपका फेस नहीं हिलेगा, फेस बिल्कुल सीधा रहेगा, जो भी एक्टिविटी होगी आपकी सिर्फ लोअर पार्ट के साथ होगी, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2। आपका प्रेशर लगेगा, मैं भी एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, तो यहाँ पे इस पार्ट पे और इस पार्ट पे पूरा खिंचाव आ रहा है, तो इससे आपके अगर लव हैंडल भी निकले हुए हैं ना, वो भी ठीक हो जाएंगे। इस तरीके से आपको करनी है एक्सरसाइज, क्रॉस करके पूरा क्रॉस करना है, अच्छे से लेग को लेके आना है, फिर 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 अच्छे से करना है। इस तरीके से आप खुद भी देख पा रहे होंगे कि पूरा प्रेशर बैली पे और थाई एरिया पे जा रहा है। तो इस तरीके से आपको हाथ बिल्कुल नहीं हिलाने हैं, कमर का कोई पार्ट नहीं हिलेगा, आपको सीधा देखना है, इधर उधर नहीं देखना है, और लग जाइए 10 मिनट के लिए इस तरीके से। बहुत आसान एक्सरसाइज है, अगर आपके घुटनों में दर्द है ना तो भी आप इसको कर सकते हैं। इस तरीके से आपको आपको 15 मिनट कोशिश करें सुबह और 15 मिनट शाम को, इस तरीके से पूरा घुमा के, जैसे आप डांस करते हैं ना, पूरा घुमा के नीचे वाला एरिया, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से आपको सिर्फ 7 या 10 दिन के अंदर ही हल्के फुलके, ज़्यादा नहीं, हल्के फुलके डिफरेंस दिखना शुरू हो जाएंगे कि हाँ आपका जो बैली है वो कम हुआ है, आपका जो थाई फैट है वो भी कम हुआ है, और आपके जो ये बट है ना, ये वाले, ये भी शेप में आना शुरू हो जाएंगे, ये पतले बनना शुरू हो जाएंगे और गोल बनना शुरू हो जाएंगे। ओके, तो अगेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
एक काफी मजेदार एक्सरसाइज है, मुझे बहुत मजा आ रहा है इसको करने में। तो इस तरीके से आप घर पे एक्सरसाइज कर सकते हैं, इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं और बिल्कुल आराम से कर पाएंगे, और इसको करने से आपकी कैलोरी भी बर्न होंगी। तो इस तरीके से बस करते जाना है दिन में 2 बार। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, करिएगा, जरूर करिएगा और देखिएगा कितना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। 1 1 1 मेरे साथ करके देख सकते हैं। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। ओके, तो अगर आपको अपने बेली फैट पे काम करना है, थाई एरिया पे काम करना है, इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, और आपका जो ये बट एरिया है अगर ऐसे है ना चिपका हुआ है तो ये ऐसे हो जाएगा, मतलब बाहर की तरफ थोड़ा सा शेप में आना शुरू हो जाएगा। तो डेफिनेटली ये वाली एक्सरसाइज जो है आप जरूर करिएगा। मुझे काफ़ी सारा पसीना आ गया है, सांस मुझे चढ़ चुके हैं। तो ये थी आज की एक्सरसाइज, आशा करूँगी कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, आप इसको जरूर ट्राई करके देखेंगे। देखा आपने, बिल्कुल नई एक्सरसाइज है, आप इसको आराम से कर सकते हैं, चाहे आपके कमर में पेन है, आपके पैर में पेन है, तो भी आप इस एक्सरसाइज को बड़े इत्मीनान के साथ, बड़े आराम के साथ इसको कर सकते हैं। आपको कहीं पे भी खड़ा हो जाना है, आपको दरवाजे में या फिर आप वॉल का भी सहारा ले सकते हैं और इस एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं, और देखिए कितने फास्ट तरीके से ये आपके फैट को पिघलाना शुरू कर देती है। अगर आप उसके साथ साथ अपनी थोड़ी सी डाइट पे भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि सिर्फ एक एक्सरसाइज करने से आपको इतना बेहतरीन रिजल्ट नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको अपनी डाइट अच्छी बनानी पड़ेगी, हेल्दी बनानी पड़ेगी, आपको नमक कम खाना पड़ेगा, शुगर कम खाना पड़ेगा, ऑयली फूड कम खाना पड़ेगा, बाहर का फूड नहीं खाना है, घर का हेल्दी फूड खाना है। कोशिश कीजिए रात का जो डिनर है वो आप हल्का करें, 7:30 से पहले आपका जो डिनर है वो हो जाना चाहिए, और कोशिश करें सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो आप कभी भी स्किप ना करें, क्योंकि बहुत सारे लड़के लड़कियों के दिमाग में चलता है कि अगर मैं सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं करूंगी तो मैं पतली होना शुरू हो जाएंगी, यकीन मानिए आप मोटे होना शुरू हो जाएंगे। तो सुबह का ब्रेकफास्ट जरूर करना है, डिनर आपको लाइट करना है, टाइम टू टाइम खाना है, ज्यादा नहीं खाना है, भूख से एक रोटी कम खाना है, नमक नहीं खाना है, शुगर नहीं खाना है, और फिर देखिए आप कितने फास्ट तरीके से पतले होना शुरू हो जाएंगे। आपको लग रहा होगा मैं बोल रही हूँ कि इतना ज्यादा तामझाम हम कैसे करेंगे, करके देखिए आप कर पाएंगे और जरूर कर पाएंगे। आपको मोटिवेशनल स्टोरी सुननी है, अगर आप बहुत ज्यादा मोटे हैं, आप अपना वेट कम नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको मोटिवेट होने की काफी जरूरत है। तो डेफिनेटली आप इसको ट्राई करके देखिएगा, चैनल पर और भी बहुत सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी, उनको भी आप जाकर चेक कीजिएगा, जो भी आपको पसंद आती है, अच्छी लगती है, वो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं या फिर वेट लॉस ड्रिंक भी आप पी सकते हैं। मैं मिलती हूँ कोई ऐसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा पानी पिएं, खुश रहें, खुश रखें, इसका शॉपिंग हॉल देखें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय।